नमस्कार स्टूडेंट्स, सीजी की स्टडी के कोने वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। ये जो पेपर है हम आंसर की लगाने वाले हैं, जो कि आज 6 फरवरी को डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, उसका जो आंसर की लगभग 100% हम आपको सही उत्तर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर मान के चलिए एक आध प्रश्न गलत हो जाते तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, ताकि बाद में आप उसको मिला लें। तो बढ़ते हमारे प्रश्न की ओर। देखिए, जो मैथ्स पोर्शन है उसको लास्ट में दोबारा ऐड कर दूंगा। मैथ्स पोर्शन का मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। और जीएस और कंप्यूटर और इंग्लिश और हिंदी के जितने सेक्शन उसको हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न है उसको, पहले प्रश्न को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। तो याद रखिए, जो ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला जो है लेजर प्रिंटर क्रिस सेनेडी का प्रिंटर है। देखिए पैरेलल हिंदी इंग्लिश है, तो दोनों आप उसको चेक करते हुए चलेंगे। आपका जो हिंदी रहेगा इंग्लिश रहेगा उसको आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। तो याद रखिए, जो लेजर प्रिंटर है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 53 नंबर जो प्रश्न है, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। तो याद रखिए, जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि जो पहला प्रिंटर है। देखिए, अगर आपको एग्जाम संबंधी जो भी टेस्ट सीरीज लगाना है तो हमारे चैनल में अवेलेबल है। लगभग कंप्यूटर के बहुत अधिक प्रश्न उससे आए हुए हैं, जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसको आप चेक करते चलिए, ताकि आगामी एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगला जो प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न, मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग होता है। देखिए, आप अपने प्रश्न सेट में प्रश्न को मिलाते हुए चलिए, प्रश्न सेट में मात्र ऊपर नीचे रहता है। ये हमारे पास सेट बी अवेलेबल है, याद रखिए हमारे पास सेट बी अवेलेबल है। आपका जो भी सेट है उसको आप चेक करते हुए चलिए कि आपका प्रश्न कहाँ पर है। तो याद रखिए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, प्रभाव या फिर इफेक्ट्स के लिए जो है मूवी के विशेष जोड़ने मीडिया मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला जो 55 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो याद रखिए, डेटा को फाइल्स या सूचना के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सूचना के रूप में कलेक्ट करना है। अगला जो प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, उसको आप देखिए, सीडी और डीवीडी के बारे में पूछा है। तो ये सॉलिड डिस्क है, मतलब स्टोरेज डिस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में जो 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर, एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार का डेटा एक्सेस प्रदान करता है। तो याद रखिए, ये जो है सिक्वेंशनल और डायरेक्ट दोनों प्रकार के, यानी अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों प्रकार का डाटा एक्सेस प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुनिए। तो याद रखिए, वेब स्पाइडर ही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार जो 59 नंबर प्रश्न है उसको आप चेक कीजिए, आपके जो प्रश्न पत्र में कहाँ पर है इंटरनेट का फुल फॉर्म, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए, जो भी प्रश्न है आपके जो सेट में है, चाहे कोई भी सेट हो, ऊपर नीचे ही होंगे, सारे प्रश्न एक समान ही रहते हैं, हर प्रश्न पत्र में मात्र ऊपर नीचे रहते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न उसको आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिए, यहाँ पर जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण प्रक्रिया नियंत्रण है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, जो 61 नंबर प्रश्न है वो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशनल एक्सेस प्रदान करता है। तो याद रखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक जो टेप है वो सिक्वेंशनल जो है आपको डाटा एक्सेस प्रदान करता है। देखिए, मैं पहले ही बताया कि आप हमारे चैनल में जाकर के कंप्यूटर या जीएस संबंधी जितने भी टेस्ट सीरीज है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगामी एग्जाम में आपसे न छूटे। लगभग आधे से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए, हार्डवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। जो 63 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो यहाँ पर आप अपने सेट में देखिए कि 63 नंबर प्रश्न आपके जो प्रश्न पत्र में कहाँ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 63 है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न, सर्वेयर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर जो प्रश्न है, किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आएगा, फ्रीवेयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो 66 नंबर प्रश्न, उसको आप अपने प्रश्न सेट में चेक कीजिए, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंटर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए, प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। हमने जो पिछली क्लास में बताया था, प्लॉटर अच्छा ग्राफिक पैदा करता है। अगला जो प्रश्न है 67 नंबर, SEO का मतलब, तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा, मैंने पहले ही बोला था कि फुल फॉर्म संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, 68 नंबर जो प्रश्न है, आप अपने प्रश्न सेट में देखिए 68 नंबर को, कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड वाली जो प्रश्न है उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर डी टेम्पलेट्स को लगा लीजिए। दरअसल ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ। 69 नंबर जो प्रश्न है,
जो कि एंटीवायरस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा, जो मैथ्स फ्री करके जो है जो भी सॉफ्टवेयर है वो एक प्रकार का एंटीवायरस है। ऑप्शन नंबर 70 प्रश्न को देखिए, कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, हमेशा वायरस ही कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 71 नंबर प्रश्न को इसी क्रम में देखते हैं, सर्च इंजन का प्रकार की जानकारी खोजने के लिए हम किसका, तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हम सर्च इंजन से वीडियो दस्तावेज इमेज सारी चीज़ों को खोजते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एंटीवायरस आपके डिवाइस को क्या करता है, देखिए नुकसान पहुंचाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा, एंटीवायरस जो वह डेटा को दूषित करता है, ऑप्शन नंबर सी 72 नंबर का। अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न, अपने प्रश्न सेट में देखिए, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी यानी अकाउंटिंग गणना छोटे बड़े डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। 74 नंबर प्रश्न इसी क्रम में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखिए MS-DOS एकल जो है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 75 नंबर प्रश्न अपने प्रश्न सेट में आप देखिए कहाँ पर है, एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बफर। 76 नंबर प्रश्न आप अपने प्रश्न सेट में देखिए, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू का एक प्रारूप है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आएगा, देखिए प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक उपयोगकर्ता एमएस ऑफिस के काम करने के लिए नहीं किया जा सकता, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, दरअसल जॉयस्टिक जो है गेम खेलने के लिए यूज होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो 79 नंबर प्रश्न है, एक छवि एक छोटे संस्करण को कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्लिप आर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर, देखिए आप फोन में या फिर मैसेज में क्लिप आर्ट का यूज करते हैं। तो अगला प्रश्न, GIF का फुल फॉर्म पूछा है, तो याद रखिए GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप, या इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि जर्नल स्टडी से संबंधित यानी मानसिक योग्यता से संबंधित है, दिए हुए विकल्प में विलुप्त पद को चुनिए, तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, AZCX उसके बाद FU देन JNQ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा पद रिक्त स्थान पर भरेगा, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, AA BB जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, 83 नंबर प्रश्न, विषम अंकी जोड़ों को चुनिए, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो विषम अंकी जो अलग है इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 84 नंबर जो प्रश्न है डाइस वाला, उसमें जो पूछा है तीन की विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो चार है वो तीन के विपरीत आएगा। देखिए इसका जो डिटेल है वीडियो, अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मेंशन कर दीजिए, और मैं आपको आगामी हर एग्ज़ाम के लिए डिटेल से हर एक वीडियो हर एक प्रश्न का बना करके डाल दिया करूँगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। अगला जो प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, उसको आप अपने सेट पे देखिए कि कहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आप चेक कीजिए, दिए गए आकृति में वर्ग की संख्या पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, टोटल 18 वर्ग है यहाँ पर। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, त्रिभुज की संख्या टोटल है इसमें 12। इसी क्रम में 87 नंबर जो प्रश्न है, दिए गए आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भी जो है घनों की संख्या टोटल 12 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में 88 नंबर जो प्रश्न है, चार विकल्प में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करने के लिए बोला, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि व्यापम इसका जो आंसर कुछ भी ले सकता है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन अब मेरे को ये नहीं पता है कि सही आंसर इसका क्या है, हो सकता है इसका आंसर कुछ और ले। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, जो 89 नंबर प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 5247 जो है वो GATE को कोड करेगा। उसी क्रम में जो 90 नंबर प्रश्न है, विलुप्त पद को ज्ञात करने बोला है, 25176 36188 और 9142 खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 19 जो है वो खाली स्थान में आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, जो 91 नंबर प्रश्न है उसको आप चेक कर लीजिए, आपके जो प्रश्न में कहाँ पर दिया है, जो विलुप्त श्रेणी का पद छठवां पद ज्ञात करने बोला है,
2, 6, 18 की श्रेणी में छठवां पद क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो छठवां पद है 486 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति महिला शिक्षक एवं माता के मध्य सही संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मुझे एकदम करेक्ट लगा, क्योंकि सभी महिलाएं जो हैं वो माता हो सकती हैं, लेकिन सभी शिक्षक जो है वो महिला होना यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, यानी महिला और शिक्षक के बीच में कोई विशेष संबंध नहीं बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में 93 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कौन सा अक्षर रिक्त स्थान में भरेगा? ए बी डी एच, तो इसके बाद जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, उसके बाद पी आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर जो प्रश्न है, यदि लंबा वृत्त को समान, मतलब इसमें ये पूछा है कि कौन सा अंक मजबूत सेना के जवान को प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जो 4 अंक है वो मजबूत सेना के जवान को प्रदर्शित कर रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर जो 2, 5, 9, 19, 37 के बाद अगला जो अक्षर आएगा वो 75 आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में 96 नंबर जो प्रश्न उसको देखते हैं। यदि निश्चित कोड भाषा में, जो निश्चित कोड भाषा है उसमें ये पूछा है कि IS इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो TOD है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसी क्रम में हम अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। 97 नंबर जो प्रश्न है, दो संख्याओं को आपस में बदल दिया गया समीकरण, ये वाला जो प्रश्न है जिसमें ये पूछा है कि दो संख्याओं को आपस में बदलने पर 16 आंसर कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 5 और 3 को आप आपस में बदलेंगे तो आपका जो आंसर है 16 वो करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है, जो 98 नंबर प्रश्न, देखिए आपके सेट में कहाँ पर दिया हुआ है, इस पर ये पूछा है जो कूलर का क्या कोड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निन्यानवे नंबर प्रश्न, दरअसल 99 नंबर प्रश्न मेरे से बना नहीं है, तो ये मेरे को कन्फ्यूज़न है, हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, इसलिए यहाँ पर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। इसी क्रम में 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में, इसमें फिर से पूछा है कि कौन से ऐसे शिक्षक पुरुष को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर गोला, त्रिभुज, आयत और वर्ग दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जो 11 नंबर अंक है वो पुरुष शिक्षक को प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है, 101 नंबर प्रश्न, दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, दरअसल इसमें वर्गों की संख्या सूत्र के हिसाब से 24 आ रही है, लेकिन शायद इसका व्यापम आंसर 22 ले सकता है, तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। 102 नंबर प्रश्न है, तो ये भी दरअसल मेरे को कन्फ्यूज़न था इसलिए मैंने इसको करेक्ट नहीं किया है। इसी क्रम में हम जो 103 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें पूछा है किसी फलक को पीले रंग से रंगने के बाद, तो यहाँ पर दरअसल इसका आंसर मेरे से 16 आ रहा था। इसी क्रम में 104 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लड़के, छात्र और धावकों, ये तीनों को पूछ रहे हैं, तो याद रखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न व्यापम अपने हिसाब से आंसर लेता है, कि ये जरूरी नहीं है कि जो सब लड़के हैं वो छात्र हों और सब लड़के धावक होना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है यहाँ पर करेक्ट हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न मेरे से बना नहीं है तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, 106 नंबर प्रश्न को आप मिला लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो W है वो खाली स्थान पर आएगा, BGNDJRGNW। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला है विषम पद को चुनिए, तो दरअसल यहाँ पर विषम पद किस आधार पर चुनने के लिए बोला तो मैं समझ नहीं पाया, तो हो सकता है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी वीडियो जो है वो विषम पद हो, लेकिन अगर आपको क्लियर होगा इसका आंसर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्लियर कर दीजिए कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। इसी क्रम में 108 नंबर प्रश्न है, जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 2c और c प्लस डी इज इक्वल टू 2a बोला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न, दिए गए श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 22 नंबर जो है वो गलत पद है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो है गणित का जो प्रश्न उसको देखना है हमको। 111 नंबर जो प्रश्न है उसमें जो घातांकी संख्या है, यानी 2x-1 करके दिया है, जिसमें 320 उत्तर लिया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, यानी एक्स का मान जो है 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में जो 12वां प्रश्न उसको देखिए,
एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू टू वाला जो समीकरण है उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसमें जो के का मान है वो 8 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज दर से 15 वर्ष में 6 माह वाला जो प्रश्न उसको आप मिला लीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 8 वर्ष 3 माह में दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न है, उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, वह न्यूनतम पूर्णांक संख्या जो पूछा है जिसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जो कि 3, 4, 5, 6, 8 सबसे विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी क्रम में हम देखते हैं 116 नंबर जो प्रश्न है उसमें आप देखिए कि एक्स प्लस 12 करके इज इक्वल टू 2 पूछा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। यानी आप x का मान जो है 2 रखेंगे तो इज इक्वल टू 2 ही आएगा, मतलब x का मान 1 रखेंगे ऐसा करके बनाएंगे। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न 117 नंबर प्रश्न, जो कि 1 सही 1 बटा 2 धन 11 सही 1 बटा 2 111 और उसके बाद 1111 1 बटा 2 ये जो प्रश्न है इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। सॉल्व करने के बाद 1234 आएगा। अगला प्रश्न 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक मोटरसाइकिल जो 25 किलोमीटर वाला जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, यानी 11/2 जो घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, जो 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी वाला जो प्रश्न है उसका जो है ऑप्शन नंबर सी 90 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर जो प्रश्न है। यदि एक समान को 5% हानि के बदले 5% लाभ वाला प्रश्न है तो उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहा है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 134.40 रुपये। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न उसको चेक करिए, दो बैंकों द्वारा 500 रुपये 2 वर्ष साधारण ब्याज वाला जो प्रश्न है उसमें आप मिला करके देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 0.25%। इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न जो है, यदि कोष्टक में जो लिखा हुआ है 4, 5, 9 यानी 405 इसको जो अंतिम संख्या इकाई का अंक 2 पूछा है तो एट द रेट के स्थान में क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एट द रेट के स्थान में 7 आएगा। इसी क्रम में 123 नंबर प्रश्न देखिए आपके प्रश्न सेट में कहां पर है, तो उसको चेक कीजिए। यदि 1.125 वाला जो है तो उसमें के की वैल्यू पूछा है, तो के की वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यानी -3 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, यदि दिए गए चित्र जो विवृत्त वाला चित्र है जिसमें कि कोण बी ए सी ज्ञात करने के लिए बोला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कोण बी ए सी का मान 60 अंश होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न 125 नंबर जो प्रश्न है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा कि कोण दूसरा और कोण छठवा उसको मिला करके 180 डिग्री नहीं हो सकता। इसी क्रम में 126 नंबर प्रश्न को आप अपने प्रश्न सेट में देखिए, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान वाला जो प्रश्न है देखिए आपके पास कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 129 डिग्री सेल्सियस। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं वाला जो m और n, तो इसमें m और n का जो है वो मान पूछा है रेशियो में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ पर, 3:4। इसी क्रम में जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया 128 नंबर प्रश्न को आप चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 22 आएगा जब बी और सी का माइनस होगा। तो इसी क्रम में 129 नंबर प्रश्न उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 15 रुपये प्रति घन मीटर वाला जो प्रश्न है तो उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 1485 रुपये आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न 130 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 21 रुपये वाला जो प्रश्न उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 34 किलो आएगा। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न उसको देखिए, जो वर्गमूल वाला प्रश्न है, वर्गमूल के अंदर 4096 है उसका 64 मान है, तो उसी के हिसाब से इसको पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 7.1104। इसी क्रम में मैथ्स का अगला जो प्रश्न है अंडर रूट वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी क्रम में 133 नंबर प्रश्न को आप चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है
2000 रुपये, अर्थात ये प्रश्नों को एक बार आप मिला लीजिए, आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, एक धन राशि पर 10% ब्याज दर वाला जो प्रश्न है उसका आंसर 2000 आएगा। इसी क्रम में 134 नंबर जो प्रश्न है, जल में 20% वृद्धि वाला जो प्रश्न है उसको आप मिलाइए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 4%। 135 नंबर प्रश्नों को चेक कीजिए, आपके प्रश्न सेट में क्या है, यदि 97200 ऐसा करके दिया हो जो स्टार के जगह में ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 11 से पूर्णता विभाजित हो जाए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 3 यहाँ पर रखने पे 11 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 16/11 आंसर आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए 137 नंबर जो प्रश्न है उसमें 50 पैसे और 25 पैसे वाला जो प्रश्न है उसको आप चेक कीजिए आपके उसमें कहाँ है प्रश्न सेट में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 360 और 160, यानी 50 पैसे के 200 सिक्के, 25 पैसे के 360 सिक्के और 160 सिक्के 10 पैसे के। इसी क्रम में 138 नंबर जो प्रश्न है उसको आप चेक कीजिए, यदि एक आयत का विकर्ण वाला जो प्रश्न है तो उसमें आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 129 नंबर जो बच गया है तो उसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 6/5। और अगला जो प्रश्न है जो कि एक समकोण त्रिभुज वाला पूछा है जिसके दो न्यून कोण का अनुपात 2:3 है, इन कोण का मान क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 36° और 54° आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम हिंदी के प्रश्न देखते हैं, तो 141 नंबर जो प्रश्न आप मिला लीजिए आपके सेट में क्या है, भारत रत्न शब्द में समस्त पद का सही सामासिक विग्रह क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, भारत रत्न। इसी क्रम में दूसरा जो प्रश्न है, मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है, यहाँ पर विशेषण क्या, देखिए विशेषण जो है विशेषता बताता है, तो छड़ी की विशेषता क्या है, लंबी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला जो है वचन से अभिप्राय है, तो याद रखिए वचन हिंदी में जो संख्या बताते हैं उसे वचन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किसी चीज़ का बोध, तो याद रखिए व्यक्ति या किसी वस्तु का जो चीज़ का बोध होता है वो गुण से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है आगम का विलोम, आगम का विलोम सुगम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 146 नंबर प्रश्न, उसको आप देख लीजिए आपके प्रश्न में कहा है, तो यहाँ पर स्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए स्वर जो है जो किसी बिना किसी के सहायता के उच्चारण से होते उसे स्वर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए या डी हो सकता है, तो इसको मैं नहीं ले रहा हूँ 46 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर जो प्रश्न है उसमें भगवद गीता का शुद्ध रूप, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भगवद गीता। अगला जो है देश शब्द, तो याद रखिए यहाँ पर दमड़ी जो है देश शब्द होगा। इसी क्रम में 139 नंबर प्रश्न, रामायण का शुद्ध रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, रामायण। 150 नंबर प्रश्न को देखिए, वह खाना खा रहा है मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो याद रखिए यहाँ पर सर्वनाम जो संज्ञा के जगह पे यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न को देखिए, हंस पद चिन्ह, तो ये देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो हंस पद चिन्ह का सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है अटका बनिया दे उधार, तो याद रखिए गरज पड़ने पर व्यक्ति को सब कुछ मानना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है मैं दर्शन कर लिया वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, तो दरअसल ये मुझसे नहीं बना, यहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, लेकिन मैंने इसको लिया नहीं है। अगला जो प्रश्न है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है, देखिए एक ही वर्ग से एक से अधिक जो शब्द होते हैं उसको आपस में रोकने के लिए अल्प विराम का यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। 155 नंबर प्रश्न है 8-8 आंसू रोना मुहावरे करते हैं अत्यधिक रोना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, अत्यधिक रोकर पछताना। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है, तो ये देखिए जो क्रिया शब्द है वो लिखना है, यानी लिखना एक कार्य है, तो क्रिया इसके अंतर्गत आएगा। अगला जो प्रश्न है यह काम कोई ना कोई अवश्य कर लेगा, तो ये अनिश्चयवाचक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 149 नंबर प्रश्न को सुबह हुई और वहाँ चहल पहल शुरू हो गए, तो ये संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय जो है वर्ण के लास्ट में ही जोड़े जाते हैं, उपसर्ग सामने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं 161 नंबर जो प्रश्न है वाक्य के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं उद्देश्य और विधेय,
अगला जो प्रश्न इसी क्रम में देते हैं, डॉक्टर कौन सा शब्द है? तो डॉक्टर जो है विदेशी शब्द है, अंग्रेजी का शब्द, इसलिए विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा। 163 नंबर जो प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण दिगंबर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वैसे ही 164 नंबर प्रश्न है, वह स्कूल नहीं जा रहा उक्त वाक्य में, तो ये जो निषेधात्मक वाक्य है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी क्रम में 165 नंबर प्रश्न को देखते हैं, शब्द महात्मा का समासिक विग्रह महान आत्मा है, तो इसमें कौन सा समास है पूछा, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 166 नंबर प्रश्न को, 166 नंबर प्रश्न में पुनरुक्ति का सूचना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जो चिन्ह है पुनरुक्ति का सूचक चिन्ह है। 167 नंबर प्रश्न मिला लीजिए हिंदी का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो विस्मयादि बोधक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अरे बाप रे यह क्या हो गया, जो विस्मय का प्रतीक है। अगला प्रश्न 168 नंबर, अक्र चलाने जाना का मुहावरे कर तो बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी रचना श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, तो यहाँ पर आप मेरे को करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत हो रहा हूँ मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किया होगा, तो दरअसल ये थोड़ा संदिग्धवाचक भूतकाल है, तो हो सकता है ये भी मेरा गलत हो, तो इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, 70 के बाद 71 नंबर प्रश्न है, अयादि स्वर संधि निम्न में से कौन से शब्द में है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विनायक में अयादि स्वर संधि है। 72 नंबर प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो है स्त्री या पुरुष का भेद जो कराता संज्ञा उसे लिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 173 नंबर प्रश्न में, ऐसे शब्द जो किसी शब्द से जुड़े या सार्थक शब्द बनाते हैं मध्य अंत में जुड़ करके, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। 174 नंबर प्रश्न है, नारीत्व में कौन सी संज्ञा है, तो नारीत्व में भाववाचक संज्ञा है। उसके अलावा 175 नंबर प्रश्न में, अतिथि शब्द का शुद्ध रूप, तो अतिथि हर में छोटा छोटा वर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ती में भी छोटी की मात्रा और थी में भी छोटी की मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, 176 नंबर प्रश्न, अक्षत का अनेकार्थी शब्द, तो अक्षत का जो है बिना टूटा हो, जैसे चावल को अक्षत बोलते हैं, तो बिना घाव का ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 177 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। अगला प्रश्न, पंकज का सार्थक सॉरी समानार्थी शब्द, तो पंकज का समानार्थी शब्द जलज होता है, जल से उत्पन्न हुआ जलज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यंजन वर्ण, तो देखिए व्यंजन वर्ण यहाँ पे पूछा है, तो देखिए स्वर का जो है आप आ आ ए ये पूरे स्वर हैं, इसमें उ उ स्वर है, तो यहाँ पर जो बच गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर व्यंजन का पूरा पूरा ग्रुप दिया हुआ है, क ख च छ। अगला प्रश्न देखते हैं, हे राम यह क्या हो गया, 180 नंबर प्रश्न है, तो उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हे राम विस्मयादि बोधक चिन्ह यह क्या हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में इंग्लिश का प्रश्न देखते हैं आगे, तो इंग्लिश वाला प्रश्न जो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो 181 नंबर जो द टीचर करके है, तो देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन पढ़ते जाऊँगा, तो उसको आप मिलाते जाइए, द टीचर वाला जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, यहाँ पे आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला देखते हैं, 182 नंबर जो प्रश्न है, चूज द एक्सप्रेस विच इज नॉट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, टू पीस ऑफ केक्स। अगला जो प्रश्न 183 नंबर प्रश्न उसको आप लगा लीजिए, 183 चूज द मोस्ट वाला जो प्रश्न उसको आप लगाइए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑफ आएगा खाली स्थान में। अगला जो 184 नंबर प्रश्न है उसको आप चेक कीजिए, 184 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जो खाली स्थान में भरेंगे। उसके अलावा 185 नंबर प्रश्न आप देखिए आपके प्रश्न पत्र में कहाँ पर है, जिसमें मे गॉड ब्लेस यू वाला जो है उसमें खाली स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये जो है विश से संबंधित शब्द है। अगला जो 186 नंबर प्रश्न है, 186 नंबर प्रश्न में आप लगाइए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न 187 नंबर प्रश्न, उसमें ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट लगाइए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 188 नंबर जो प्रश्न है उसमें भी आप चेक कीजिए आपके प्रश्न पत्र में कहाँ है, तो यहाँ पर दरअसल मेरे को डाउट था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है उसको 188 के बाद 189 नंबर प्रश्न देखते हैं, 189 नंबर प्रश्न है, तो इसमें आप चेक कीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में कहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप लगाइए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है 190 नंबर प्रश्न, उसको चेक कीजिए आपके प्रश्न पत्र में कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसी क्रम में 191 नंबर प्रश्न को चेक कीजिए, तो 191 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसी क्रम में 192 नंबर प्रश्न को आप देखिए, तो यहाँ पर भी बी नंबर जो है वो करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखिए,
93 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आएगा। इसी क्रम में 94 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए आपके प्रश्न पत्र में, कहाँ पर उसको मैच कर लीजिए। 94 नंबर प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आएगा। उसके बाद 195 नंबर जो प्रश्न है उसको आप चेक कीजिए, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी ये एकदम करेक्ट आएगा। उसी क्रम में 96 नंबर प्रश्न चूज द सेंटेंस वाला जो है, तो उसको आप चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी वहाँ पर चिन्ह लगाइए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसी में 196 के बाद 197 नंबर प्रश्न में आ जाइए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वाले में, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में 198 नंबर प्रश्न को चेक कीजिए, 198 नंबर प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में कहाँ है, वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसके बाद 199 नंबर जो प्रश्न है उसको आप चेक कीजिए, उसमें भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 199 का जो लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर प्रश्न का, तो उसको आप चेक कीजिए, 200 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ये लगभग लगभग जो है इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर के लगभग लगभग सारे प्रश्न हो गए हैं, और जो बच जाएंगे वो प्रश्न को जीएस का मात्र प्रश्न बच गया है, तो उसको मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो उसको आप चेक कर लेंगे कि आपका कोड कितना सही हो रहा है कितना गलत। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन अगर धोखे से गलत हो गए होंगे बोलते बोलते में, तो उसको आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लो फ्लो में बनाते हो कुछ कुछ गलत हो जाता है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आप खुद क्लियर कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, तो मैं उसको पिन कमेंट कर दूंगा ताकि किसी को दिक्कत मत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, स्टे सेफ।